गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों? ये हमने कहा था कि आप अपने से करेंगे। हमने बोला था ना इसको आप लोग अपने आप करेंगे, ठीक है? इसमें आप लोग अपने अपने विचार रखेंगे। कल हमने आपको वर्दली बताया था, ठीक है? आज चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैम, ऑन म्यूट कर दीजिए। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। आप लोग बोलते रहोगे बेटा तो स्क्रीन नहीं आएगी। शांत होकर के सोचोगे तो स्क्रीन आएगी। तो चलिए स्क्रीन नहीं आ रही मैम, स्क्रीन नहीं आ रही। ओके आप लोग म्यूट कर रहे हैं, ठीक है? ओके अब स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है? तो सबसे पहला है अपने मन में सोच कर लिखो ऐसा कैसे किया होगा। वैसे तो सब आपके लिए है कि आपको अपने मन में सोचना है कि ये कैसे हुआ होगा, ठीक है? तो पहला है बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? बाघ ने गाय को मार डाला था, इस बात की खबर कितनी जल्दी पूरे गांव में फैल गई थी। वो कैसे फैल गई थी? अब आप यही अपने आसपास देखिए, कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसकी खबर कितनी जल्दी से आसपास में के इलाकों में फैल जाती है। ठीक उसी तरह से गाय की खबर जो थी, बाघ की जो जिसने गाय को मार दिया था, तो उसकी भी खबर इसी तरह से पूरे गांव में फैल गई थी, ठीक है? तो आप इसका क्वेश्चन लिखिए, बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। पार्ट 11 है ना, तो पार्ट 11 में क्यों कैसे हेडिंग क्या है, क्यों कैसे, ठीक है? अब क्वेश्चन है बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, पूरे गांव में फैल गई कैसे? पूरे गांव में फैल गई थी, वो कैसे फैल गई थी बताइए।
बाप की खबर बाप की खबर पूरे गांव में कैसे फैल गई थी, एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा। एक दूसरे के द्वारा फैल गई। बात की खबर पूरे गांव में एक दूसरे के द्वारा फैल गई। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, दूसरे तीसरे से, तीसरे ने चौथे से। स्क्रीन नहीं आ रही, मैम आ रही है। किधर का? इस साइड। अरे तो हम खड़े हैं ना, तभी तो। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मैम आ रही है। तो ठीक है, चलिए। मैम साइड प्लीज। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, बोलते रहते हो फिर कहते स्क्रीन नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर टू। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे थे? उनको गांव वालों को लगा होगा कि मीरा बहन उनकी मदद करेंगी, है ना? गांव वालों को मीरा बहन पर बहुत विश्वास था। बहुत विश्वास था कि बहुत विश्वास था कि वह बाघ पकड़वाने में पकड़वाने में
उनकी यानी कि गांव वालों की उनकी मदद करेंगी करेंगी। ठीक है, ओके। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? पिंजरा बिना बाघ के पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? कैसे बंद हो गया था, है ना? पिंजरा बिना बात से बंद हो गया, कैसे बंद हो गया? मेरा बहन को रात में नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, उन्हें लगा कि उन्हें लगा कि बाघ को धोखा देके नहीं धोखा देके पिंजरे में नहीं फंसाना चाहिए, पिंजरे में नहीं फंसाना चाहिए, नहीं फंसाना चाहिए। इसलिए उन्होंने यानी कि मीरा बहन ने उन्होंने उन्होंने का दरवाजा बंद कर दिया,
ओके ठीक है ओके चलिए एक्सरसाइज कर लीजिए फिर उसके बाद मैम प्लीज साइड साइड तो बाद में होते रहेंगे पहले आप लोग एक्सरसाइज कीजिए बुक ओपन कीजिए पहले पेज नंबर 98 सबसे पहले इसको छोड़ करके बुक ओपन कीजिए मैम हाँ जी ये क्या फोन है आप कौन हो मैम अनिल क्लास थर्ड है बेटा थर्ड है रियल जी हाँ अच्छा अच्छा चैटिंग कर रहे हैं चैटिंग करने के लिए क्लास लगी है हैं मैम प्लीज आधा आधा तो ले लो आधा ही आधा ले लो मैं पहले एक्सरसाइज कर लीजिए अच्छा चलिए मैम प्लीज साइड टाइम तो ओवर हो रहा है ठीक है अब आप लोग इसको सेव लिख करके रखिएगा मैं भी वीडियो आप ग्रुप पे भेज दूंगी मैम को सुन लीजिए बाद में करिएगा आप इसमें नेम लिख के रखिएगा 5 से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं पता करो कौन ये आप लिख के सारे सामान देखेंगे और नेम लिख करके रखेंगे यहाँ पर साइड में यहाँ पे नाम लिख करके रखेंगे ठीक है और लिख के रखिएगा उसके नीचे है कौन क्या है मैम गांधी जी उसके नीचे वाली एक्सरसाइज लिख के रखिएगा ठीक है मैम गांधी जी नीचे बाय